हिमाचल प्रदेश की इस पहाड़ी के मंदिर पर इतना घी टपकता था कि अगर हम सुबह बर्तन रख दें तो शाम को भरा मिलता था। लेकिन एक बार एक जूठी रोटी के कारण साक्षात नजर आने वाला यह चमत्कार तुरंत अप्रभावी हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित राजगढ़ धार्मिक आस्था के अनुसार यह वही स्थान है जहां मां शक्ति ने चमत्कार दिखाया था। यह स्थान मंडी जिले मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। माता के इस मंदिर का नाम कोलासुर नामक राक्षस का श्रृंगार करने के कारण पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार राजगढ़ में एक चट्टान के रूप में मां का मंदिर विराजमान था। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में राजगढ़ की पहाड़ी पर एक चट्टान के रूप में मां का मंदिर विराजमान था, लेकिन इसके बारे में जनमानस को पता न होने के कारण यहां पूजा पाठ नहीं की जाती थी। वक्त बदला और आसपास के क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन मातम का माहौल रहने लगा। फिर एक समय ऐसा आया कि यहां स्थानीय श्मशान दहालू में हर रोज किसी न किसी के अंतिम संस्कार होता था, क्योंकि हर रोज यहां पर किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी। स्थानीय लोगों के मन में ये धारणा बन गई थी कि अगर किसी दिन यहां सब नहीं जलेगा तो प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा, जिससे बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है। इस भय से लोग उस दिन यहां घास का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार करते थे। जिस दिन किसी की मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन हर दिन अंतिम संस्कार कर करके लोग परेशान हो चुके थे और इससे मुक्ति पाना चाहते थे। प्रतिदिन लोग वहां पर अंतिम संस्कार करके परेशान हो चुके थे, तो लोगों ने सलाह मशवरा करी और फिर उसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार करना शुरू किया। हर रोज दुख और दुखदायी संस्कार से बचने के लिए लोगों ने एक साथ मां शक्ति की आराधना शुरू की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर मां शक्ति ने एक व्यक्ति पर अपना प्रभाव दिखाया और वह व्यक्ति मां शक्ति की बाणी बोलने लगा। इसे आम बोल भाषा में तांत्रिक की भाषा में खेलना कहते हैं। जब वह व्यक्ति खेल गया तो देवी का आदेश बताते हुए उनसे कहा, मैं तुम सबका कल्याण करती हूँ, तुम्हें किसी चीज़ से भय होने की जरूरत नहीं है, तुम यही मेरी स्थापना कर मंदिर का निर्माण कर दो। देवी की पूजा में जुटे लोगों को मां शक्ति की वाणी पर भरोसा तो हो गया था, लेकिन वो उस भरोसे को पक्का करना चाह रहे थे, तो उन्होंने विनती की, हे माँ, अपनी उपस्थिति का प्रमाण हम भक्तों के लिए प्रस्तुत कीजिए, हम बहुत अचंभे में हैं। इस पर उस व्यक्ति ने, जिस पर देवी आई थी, सामने की चट्टान की ओर संकेत कर दिया। जैसे ही भक्तों ने उस चट्टान की तरफ देखा, चट्टान से घी बहता नजर आया। इसके बाद यहाँ पर हमेशा घी बहता रहा और इसका उपयोग लोग माँ की जोत जलाने के लिए और अपने घर में करते थे। एक बार एक चरवाहा उस पहाड़ी के पास से गुजरा तो उसने वहाँ पर मंदिर देखा और वहीं पर बैठ गया और रोटी खाने लगा। एक बार एक चरवाहा उस पहाड़ी के पास से गुजरा तो मंदिर देखा और वहीं पर बैठ गया, रोटी खाने लगा। फिर उसने अपनी रोटी पर घी लगाने के उद्देश्य से अपनी जूठी रोटी चट्टान में रगड़ दी, जहाँ से घी बह रहा था। उसकी रोटी पर घी तो लग गया, लेकिन वहाँ से घी बहना बंद हो गया। पहाड़ी से घी बहना भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था लगातार बनी हुई है। देवी के भक्तों का मानना है कि वे सच्चे मन से जो कुछ भी माँ से मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है।